ये रहा आपका नजराना। टॉली क्रैश फुलबैक रिपोर्ट। देखिए ये तो कुछ भी नहीं है, मैं आपको इससे डबल दूंगा। एक्चुअली मैं चाहता हूं कि आप मेरे क्लब में एक डांस परफॉर्मेंस करें। आपकी फीस कितनी है? आपकी जो भी फीस है मुझे बताइए, मैं आपको उसका एडवांस अभी देने के लिए तैयार हूं। इधर से बोलते हैं वो क्या है ना, बेटी का भी एक प्रश्न है अगले हफ्ते। मैं चाहता हूं अभी आप पुराना चाहता हूं, एडवांस ले लीजिए। आप दीजिए ना। अरे आपने इतना अच्छा डांस किया है, टिप समझ के रख लीजिए। ये प्रोफेशनल डांसर है ना जी? बिल्कुल, हमें इनका डांस बहुत अच्छा लगा। नजराना दे सकते हैं? इतना अच्छा डांस किया है, नाच दिखाया है हमें, तो नजराना तो बनता है ना। हाँ। अरे आप घबरा क्यों नहीं है, टिप समझ के रख लीजिए, इस पे आपका ही हक है। अरे टिप नहीं मैडम, भेंट है, भेंट ही समझ के रख लो आप। हाँ, अरे इस पे आप ही कहकर लीजिए ना। अरे आप परेशान क्यों हैं, लीजिए भेंट। बख्शीश क्या बोल रहे हैं आप लोग? अरे अरे लीजिए ना, लीजिए ना मैडम। अरे लीजिए ना, आप ही का है ये। मैम आपका ही है ये, आपने इतना अच्छा डांस जो किया है। रोले रो। एक मिनट, ये पैसा किसे दे रहे हैं? आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? एग्जैक्टली अनी, ये इंसल्ट नहीं कर रहे हैं, ऑडियंस है, अपना प्यार दिखा रहे हैं। एंड व्हाट टू डू, झनक आज लगी मुचरे वाली रही है। रोले मुचरे वाली। अर्शी दीदी आप खुद एक डांसर है ना, और ऐसे ही एक डांस फॉर्म की बेइज्जती कर रही है। तुम में और मुझ में बहुत फर्क है छना, अब तुम मुझे सिखाओगी? सिखा नहीं रही हूँ अर्श दीदी, जरा एक डांस फॉर्म होता है, एक अलग नृत्य शैली, और इस कला को सीखने के लिए एक इंसान बरसों बरस पूरी जिंदगी लगा देता है, और अब उसी डांस फॉर्म का आज मजाक उड़ा रही है। छना तुम मुझसे इस तरह से बदतमीजी से बात नहीं कर सकती हो। अंदर रखिए आप, ये इन पैसों को हाथ तक नहीं लगाएगी। एक आर्टिस्ट है, परफॉर्मर है, समझते क्या है आप सब? तो क्या गलत किया है? गलत क्या किया? परफॉर्म भी ऐसे ही किया ना जैसे कोई मुजरे वाली करेगी। आप सबके सामने अपने अपनी बहन की बेटी की बेइज्जती कर रही है, शर्म आनी चाहिए आपको। अनी, तुम मेरी मॉम की इंसल्ट कर रहे हो? मैं इनकी इंसल्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये सबके सामने झनक की इंसल्ट कर रही है, और इनका कोई हक नहीं बनता ऐसा करने का। और इनका कोई हक नहीं बनता ऐसा करने का। देखिए आप सब मेरे गेस्ट, और अगर आप सबको मेरे बर्ताव से बुरा लगा हो, आप सब हर्ट हुए, देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन आप लोगों को समझना चाहिए कि आप लोगों ने ठीक नहीं किया है। ये एक आर्टिस्ट है, इसने पैसों के लिए परफॉर्म नहीं किया, इसने परफॉर्म किया अपनी दीदी के संगीत पर, शिष्य आंटी की बेटी के संगीत पर। ये इसकी मासी है। नाउ आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप लोगों ने ठीक नहीं किया है। जी आई एम सॉरी, लेकिन हमें ये सब पता नहीं था। आई एम रियली सॉरी। इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहे हो, इतना सब कुछ बोलने की क्या जरूरत? मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, आप झनक को मुजरे वाली फील नहीं करवा सकती हैं। मेरे संगीत है, खुशी का माहौल है, मुझसे कोई गलती हो गई है ना तो मैं फिर से माफी मांगता हूँ, लेकिन अनजाने में झनक की बेइज्जती की गई है। अनी यहाँ किसी ने झनक की बेइज्जती नहीं की है, ये लोग प्यार से झनक को पैसे दे रहे थे, एंड या झनक को पैसे दे रहे थे, और हाँ मेरी मॉम ने ये सब नहीं कहा था। नो वर्षी, झनक की आउटफिट ही ऐसी है, किसे देखकर लग रहा है कि मुजरे वाली है, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। इतने भी भोली नहीं हो तुम, और अगर मैं मान भी लूं कि झनक तुम्हारी कुछ नहीं लगती है, फिर भी ये इसकी बेइज्जती कर रहे थे, तो तुम्हें नहीं लगता एक औरत होने के नाते तुम्हें इसके लिए आवाज उठानी चाहिए थी?